और सिंध हाई कोर्ट में एमक्यूएम के मेंबर सुबह असम्बली के हलके में लोड शेडिंग के खिलाफ समाज अदालत ने सीईओ के इलेक्ट्रिक चेयरमैन नेफरा विफाकी सेक्रेटरी खजाना सेक्रेटरी तवानाई समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने तमाम फ्रीकैन से चार हफ्तों में जवाब तलब करते हुए समात मुलतवी कर दी। तफसीलात जानते हैं मोहसिन से। मोहसिन, आगाह कीजिएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से जो कि सुबह असम्बली के हल्के में लोड शेडिंग जारी है। जी बिल्कुल, देखिए सिंध हाई कोर्ट के एक नेता एमक्यूएम के मेंबर सुबाई असेंबली अपने हल्के में लोड शेडिंग के खिलाफ अदालत की दरख्वास्त पर समाप्त हुई। अदालत ने सीईओ के इलेक्ट्रिक चेयरमैन नेता वफाकी सेक्रेटरी खजाना सेक्रेटरी तवानाई समेत दीगर को नोटिस जारी कर दी है। अदालत ने तमाम कैदियों को चार हफ्तों में तलब करके समाप्त मुलतवी कर दी है। कार्यकर्ताओं को बिना तासर बिजली की फरहमी के लिए इलेक्ट्रिक जिम्मेदारों को दरख्वास्त गुजार हैं। जबकि सुबाई असेंबली के मेंबर आमिर सदी का कहना है कि मेरे हल्के जनाटाउन और गुस्से इकबाल में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो की जा रही है। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि सभी लोड शेडिंग से एक कारोबार और तालीमी सरगर्मियाँ जो है वो मुतासर हो रही हैं। बिजली की अदम फरहमी अस्पतालों में मरीजों को भी जो है वो मुश्किल का सामना है। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि इलेक्ट्रिक और वफाकी हुकूमत से माजी मामला भी की जाती है कि इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग के मुतालिक पॉलिसी फराम करने में इन नाकाम रहा है। जी जी शुक्रिया मोहसिन।